नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर की केंद्रीय जेल में सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और इसी के तहत सुहागिन पत्नियों के पावन त्योहार करवा चौथ का पर्व भी जेल प्रबंधक द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास पर एकता के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर का कहना है कि जेल परिसर में बंद कैदियों के लिए गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, गरबा उत्सव सहित दीपावली की सभी तैयारियां की जा रही हैं और उसी के तहत सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ एक अहम पर्व होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जेल में बंद करीबन 20 पति पत्नियों को परिसर में करवा चौथ के तमाम उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें एक पारिवारिक माहौल देते हुए करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व पिछली बार भी मनाया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी ये पर्व मनाया गया है। इसी के साथ जो महिलाएं अपने पति को मिलने के लिए जेल मुलाकात करने आ रहे हैं उन्हें 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम बातचीत का दिया जा रहा है ताकि पति पत्नी एक दूसरे से बात कर अपना दुख बांट सकें। इस त्यौहार के मौके पर सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए गैर हिंदू बंदियों को भी शामिल किया गया है और सभी धर्म के पति पत्नी इस त्यौहार में पूर्ण रूप से शामिल हैं। वहीं कुछ महिला कैदी ऐसी भी थीं जिनके पति पेशी पर जाने के दौरान उदास बैठी हुई नजर आईं। इसी के साथ 302 की सजा काट रही एक महिला कैदी द्वारा करवा चौथ पर अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना की गई, जहां दोनों पति पत्नी 302 के मामले में पिछले 10 महीने से सजा काट रहे हैं। बुल्ला जी, किस केस में आप बंधे? 302। आपके पति भी साथ में? जी जी। आज गुन्ना जी, देखा जा रहा है कि आज करवा चौथ का प्रोग्राम है यहाँ पे जेल में, करवा चौथ बनाया जा रहा है, आप भी अपने पति के साथ बैठी हैं आरती की थाली वगैरह लेके, क्या आपने भी यहाँ पे व्रत रखा है अपने पति के लंबी आयु में? जी 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 हाँ। अच्छा, इससे पहले भी रखते हैं आप? नहीं, जेल में। जेल में ही रखा है? क्या, किस लिए रखा गया है यहाँ? पता नहीं, सब महिलाएँ रखती है तो इसलिए मैंने। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना। दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? आज पछतावा है कि भाई जिस तरीके से आपने आरोप अपराध किया है, आप जेल में हैं तो पछतावा तो है? हमने तो कोई अपराध नहीं किया है, पर हो सकता कोई हमसे गलती हुई जिसकी सजा ऊपर वाले ने दी, इसलिए बस बैठे खामोश। आपने व्रत रखा है लंबी आयु के लिए अपने? जी हाँ। नाम बताइए? गिरजा पवार। अच्छा गिरजा जी, बताइए किस सजा में आप सजा आपको यहाँ पे? 302। 302। आज करवा चौथ बना रही हैं आप, किस तरीके से सजा भरा गया है, वो किस तरीके से प्रोग्राम है आज जेल में? बुरा तो लग रहा है सर, पर अब क्या करें, जो नसीब है वो किस्मत पे हो तो हो गई। अब सर मैडम के और सर को उनके धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारा उपवास अच्छे से यहाँ करवा दिया और हमारे खुश कर दिया हमको। थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि क्या करें क्या नहीं, पर घर पर रहते तो अच्छे से करते, अब यहाँ पे जो भी है पर अच्छे से करवा दिया सर। अच्छा, उम्मीद थी आपको के जेल में? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी सर यहाँ पे हो जाएगी हमारा त्यौहार, पर अब जो हो गया तो ठीक है, पर अच्छा ही लगा हमको भी, खूब खुश हुए। हम मैडम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और सर को भी कि हमारा अच्छे से करवा दिया है यहाँ पे। जिस तरीके से आप सजे भेजे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप कैदी हैं? हाँ, हमारे मैडम और सर बोलते हैं कि अच्छे से रहा करो और अच्छे से सधज के रहा करो, ऐसा मत सोचा करो कि हम यहाँ पे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, पर सब करवाते हैं हमारे मैडम है ना, सब अच्छे से तैयार भी करवाते हैं और अच्छे से रहने भी लगाते हैं, अच्छे से ही करते हैं। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से आप आज जेल में करवा चौथ बना रही है, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही सर कि मत करो कुछ ऐसा भी बुरा काम, तो यहाँ पे जो ये हम कर रहे हैं तो वो भी करे आके, जिस तरह से आप हम त्यौहार मना रहे हैं हमको बुरा लग रहा है तो उनको भी, तो इसलिए यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से रहो और घर पर ही करो बस। एक बार आपने मैम बताया कि जिस तरीके से जेल में आज करवा चौथ का प्रोग्राम रखा गया है, किस तरीके से? करवा चौथ का पावन पर्व जो है, हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से पूजा कामना करे और इसी के तहत जो है आज कुछ ऐसे जोड़े हमारे जेल में भी हैं जो पति पत्नी जेल में एक साथ बंद हैं, तो उनकी इच्छा थी कि वो भी पूजन कर सके। हालांकि ये पूजन रात को होती है, पर हमारे अपने जेल के जो रूल्स हैं उसके अनुसार हम इन्हें दिन में ही हमने परमिशन दी है कि ये अपने जो है आपस में पति पत्नी जो है मिल सके और पत्नियाँ जो है अपने पति की पूजन कर सके, आरती उतार सके और अपने अखंड सौभाग्य की कामना कर सकें। जमीन सभी के महिलाओं जो अपने पति पत्नी जो बैठे हैं सभी कैदी हैं? जी, अंदर ये जो जितने भी हैं ये दोनों ही पति पत्नी किसी ना किसी कारण से जेल में परिरुद्ध हैं। मैडम, कुछ किस तरह से मनाया, कुछ मुस्लिम जोड़े भी मना रहे हैं करवा चौथ, किस तरह की व्यवस्था की गई है?
सर्वधर्म संभव की हमारा भारत देश है और हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे इस करवा चौथ के कार्यक्रम में एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल हुआ है और वो भी जो है अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए उसने भी ये व्रत रखा हुआ। अच्छा, पहली बार क्या क्या है यहाँ पे? ये दूसरी बार हम लोग इस तरह का आयोजन यहाँ पे करा रहे हैं। अच्छा मैम, कुछ ऐसे भी जोड़े होते होंगे जो मिलने आए हैं, उनको भी समय दिया जाता है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जेल से बाहर अब जिनके पति यहाँ पे परिरुद्ध हैं वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम उन्हें बाहर से ही मिलने की अनुमति दे रहे हैं और लगभग जितनी भी महिलाएं आ रही हैं जिनके पति हैं जेल में, उन सभी को हम आज मिलने की परमिशन दे रहे हैं बाहर से। अच्छा मैम, ऐसे कितने जोड़े होंगे जो तकरीबन इतनी संख्या में करवा चौथ मना रहे हैं? जेल के अंदर ये 20 जोड़े हैं जो मना रहे हैं, और भी अन्य लोग हैं लेकिन वो रात को चांद देख करके पूजा करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।